हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड लिए हुए टॉपिक्स का, जिसमें कि टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन होगा उस टॉपिक से रिलेटेड हर पॉइंट का, और जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जिसमें यूपीएससी एसएससी रेलवे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और ये टॉपिक लिया गया है क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट से। तो आइए शुरू करते हैं ये लेक्चर। लेक्चर शुरू करने से पहले कोविड-19 की अपडेट जान लेते हैं। कन्फर्म्ड केस जो है वो 1,00,000 पार कर चुका है, जो कि 1,13,579 हो गया। टोटल डेथ 3,460 है। एक्टिव केसेस 64,226 है। अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। इस टॉपिक को हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। 5 पार्ट में सबसे पहला पार्ट जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, डिस्कवरी ऑफ द सेल और द सेल। सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल और साइज ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट पार्ट्स ऑफ द सेल में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट टॉपिक में डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहला नाम आया है रॉबर्ट हुक। इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट हुक यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते थे और उन्होंने कॉर्क में से, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में से ऑब्जर्व किया था कैची को, सेल को, और उसको डिस्कवर किया था। सेल होता क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड सेल। सेल आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ द एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और जो कॉर्क जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उस कॉर्क, वो कॉर्क होता क्या है? इज ए पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री। और ये ट्री कौन सा होता है? वो ओक ट्री होता है। तो द साइंटिफिक नेम ऑफ ओक ट्री इज, जिसमें से हम लोग कॉर्क जिसमें से प्रोड्यूस होता है, उस ओक ट्री का जो साइंटिफिक नेम है उसको क्या बोलते हैं? क्यूरकस। लास्ट पॉइंट जो है, द बुक नेम्ड माइक्रोग्राफिया इज रिटन बाय रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक एक बुक भी लिखे थे माइक्रोग्राफिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं द सेल। द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर। The egg of hen represents a single cell. Scientific name of hen is Gallus gallus domesticus. Scientific name देने का जो nomenclature तरीका है उसमें क्या करते हैं? एक part हम genus कर लेते हैं और एक part हम उसके species कर लेते हैं और उसके बाद उसको scientific name दे देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनिज्म शोज वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी लिविंग सेल, दे यूज माइक्रोस्कोप विथ मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट। स्टेन डाइज आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। में माइक्रोस्कोप और स्टेन डाइज के बारे में बात किया है, तो माइक्रोस्कोप इज इन्वेंटेड बाय जेकेरियस जेंसेन एंड हैंस लिफेरे। और जो स्टेन डाइज है, स्टेन डाइज में हम लोग इसमें यूज होता है आयोडीन और मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन यूज होता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल कॉल्ड मल्टी सेलुलर। एक से ज्यादा अगर होंगे तो उनको मल्टी सेलुलर बोलेंगे। द नंबर ऑफ सेल बींग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अगर नंबर ऑफ सेल कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके फंक्शनिंग में कोई भी कमी आएगा। ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ सेल्स बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल विच इज फर्टिलाइज एक सेल। ये तो हमें जानना चाहिए कि जो भी ऑर्गेनिज्म है सारे एक सिंगल सेल से ही बनते हैं, जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। और वही फर्टिलाइज्ड एग मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स।
यहाँ यूनिसेलुलर का दो एग्जांपल दिया हुआ था, एमीबा और पारामिसिन। यूनिसेलुलर किसको बोलते हैं? द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। अब आएंगे शेप ऑफ सेल में। शेप अपीयर्स, अच्छा, अमोबा हैज नो डिफिनिट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। इट कीप्स फ्रॉम चेंजिंग इट्स शेप। प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है टू स्टिक आउट फ्रॉम सरफेस। दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। फिगर में देखे ही होंगे, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये वाला पोर्शन है, ये जो सरफेस एमोबा के जो सरफेस है उससे बाहर निकल के आ रहा है, तो ये क्या करता है? मूवमेंट में मदद करता है और खाना खाने में। दिस प्रोजेक्शन अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स एज एमोबा मूव्स और फीड्स। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज डज एमोबा ड्राइव बाय चेंजिंग शेप। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ गिवन है, द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया विच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। मूवमेंट में और कैप्चर फूड करने में वो मदद करता है। नेक्स्ट, ए वाइट ब्लड सेल WBC इन अ ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट शेप। एक सिंगल सेल में जो कि अपना शेप चेंज कर सकता है। तो WBC के बारे में बात आए तो इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। WBC वाइट ब्लड सेल इज ऑल्सो कॉल्ड लिपोसाइट, उसको लिपोसाइट भी बोलते हैं। WBC इज डिस्कवर्ड बाय गैब्रियल एंड्रल एंड विलियम एडिसन। नाम याद रख लीजिए, गैब्रियल एंड्रल एंड विलियम एडिसन। ठीक है, लिपोसाइट उसका दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल आर इंक्लूड इन अ मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। जो मेम्ब्रेन होता है वो शेप देता है प्लांट्स एंड एनिमल सेल को। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। बैक्टीरिया सेल ऑल्सो हैज अ सेल वॉल। बैक्टीरिया सेल के पास भी सेल वॉल होता है जबकि वो प्लांट सेल नहीं है। कुछ एग्जाम्पल से देख लीजिए। फर्स्ट जो है स्फेरिकल रेड ब्लड सेल है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। सेकेंड जो है स्पिंडल शेप्ड मसल सेल है। थर्ड लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल है। आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ सेल, द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय एंटोनियो वैन लीवेनहॉक। किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था? एंटोनियो वैन लीवेनहॉक। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm into 130 mm इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट सेल। साइंटिफिक नेम ऑफ ऑस्ट्रिच स्ट्रोथियो कैमेलस। क्या है साइंटिफिक नेम? स्ट्रोथियो कैमेलस। आगे बढ़ते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इच ऑर्गन्स इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन एक टाइप से एब्जॉर्प्शन को ही बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को ही। डाइजेशन होने के बाद जो प्रोसेस होता है उसको एसिमिलेशन भी बोलते हैं। इच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू। जितना भी ऑर्गन है सब कैसे से बने? स्मॉलर पार्ट टिश्यू से। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। सिमिलर सेल का ग्रुप होता है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। अब आता है पार्ट ऑफ सेल। पार्ट ऑफ सेल में सबसे पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। द बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ सेल्स आर सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बेसिक कॉम्पोनेंट यही तीन है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इंक्लूड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। सेल को सराउंडिंग मीडियम से भी अलग करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? पोरस इन नेचर होता है और वो मटेरियल्स को अलाउ करता है, जो भी यूजफुल मटेरियल है उसको अंदर जाने के लिए अलाउ करता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर जाने के लिए अलाउ करता है। द बाउंड्री ऑफ ऑनियन सेल इज द
सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। अनदर थिक कवर्ड को क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और वही उसी में जो सेंटर राउंड बॉडी होता है सेंटर में, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। द जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है दोनों के बीच, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं जो राउंड राउंड जो है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो बाकी का जो है जेली लाइक सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ये जो लाइनिंग लाइनिंग जो कि जिससे बाउंड्री बना हुआ उसको सेल वॉल बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन है, व्हाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल। उसका आंसर देखिए दिया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, गिव शेप टू द सेल। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन द सेल ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। और एक आउटर थिक लेयर जो होता है सेल वॉल कहलाता है। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। क्या चीज के लिए रिक्वायर्ड होता है? प्रोटेक्शन के लिए। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। ठीक है, वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर इटीसी। दे आर एक्सपोज्ड टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते हैं इसीलिए उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का जरूरत होता है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे ह्यूमन चिक सेल का एक फोटो दिया हुआ है, उसके थ्रू भी सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के चारों ओर होता है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, सॉरी साइटोप्लाज्म। द अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स, तो साइटोप्लाज्म के अंदर और जितने भी कंपोनेंट्स उसको होते हैं उनको ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ऑफ द सेल आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, दीज आर, और उनको क्या बोलते हैं, उनको नाम एग्जांपल क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स इटीसी। अब आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ लिविंग सेल। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। स्फेरिकल शेप होता है और लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल होता है। इट कैन बी स्टेन्ड। अब स्टेन्ड किससे होता है पता है हमको? आयोडीन से और मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन से। ठीक है, स्टेन्ड एंड सीन इजली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बात आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को करता है। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म इन साइड ऑफ द न्यूक्लियस। इसका भी वही काम है, पोरस होता है वो अलाउ करता है मटेरियल को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के इन साइड में जाने में। स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियस मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस कंटेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस क्या कंटेंट करता है? क्रोमोसोम कंटेंट करता है, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। ये जीन कैरी करते हैं, क्रोमोसोम्स जीन कैरी करते हैं, जो कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में मदद करते हैं। ऑफस्प्रिंग के मतलब आने वाला जो जनरेशन, जो बेबी रिप्रोड्यूस होते हैं उनको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। अब यहाँ आते हैं जीन्स। जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यही जीन्स क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब कि इफ योर मदर हैज कर्ली हेयर, यू माइट ऑल्सो हैव एंड अप विद हैविंग कर्ली हेयर। तो यही कैरेक्टर जो होते हैं, ब्राउन आई है तो ब्राउन आई हो सकते हैं बेबी जो हुआ है उसका,
तो इन सब कैरेक्टर्स को कैरी करता है, ट्रांसफर करता है, जो कि जीन के अंदर होता है। द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल। द इंटायर कॉन्टेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म को लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड वैक्यूल। जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक एरिया होता है जो कि एकदम ब्लैंक होता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता है, यानी कि उसमें गैसेस, एयर और अदर गैसेस उसमें भरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो उस पार्ट को हम लोग वैक्यूल बोलते हैं। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज ऑन इंडियन फिल्म। सिंगल हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। ठीक, लार्ज वेहिकल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में लार्ज वेहिकल कॉमन है। वेहिकल्स इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर। एनिमल सेल में वेहिकल्स बहुत छोटे होते हैं। प्लास्टिड्स, अब प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड जो होता है वो कलरफुल पिगमेंट्स को कैरी करते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। कुछ कुछ उसमें से ग्रीन पिगमेंट कैरी करते हैं जो कि क्लोरोफिल इसको बोलते हैं। और वही क्या कारण होता है, ग्रीन लीव्स का ग्रीन दिखने का कारण होता है। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। लीव्स को ग्रीन कलर करता है। और इसी प्लास्टिड में से कुछ ऐसे जो ग्रीन कलर पिगमेंट कैरी करते हैं जो कि फ्रूट्स को भी कलर देता है, फ्लावर्स को भी कलर देता है। इनके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना जान जाइए। प्लास्टिड्स में जो ग्रीन कलर प्लास्टिड होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन सेल ऑफ प्लांट एनिमल एंड बैक्टीरिया। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो सेम होता है सेल ऑफ प्लांट में भी या फिर एनिमल में और बैक्टीरिया में। तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले तो इसको डिटेल में बताया गया, द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टेरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो सेल है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें क्या मिसिंग होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिसिंग होता है। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि जैसे जितने भी सेल है, बैक्टीरियल सेल है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होने के बावजूद न्यूक्लियस के अंदर जितने मटेरियल होते हैं वो तो प्रेजेंट होंगे ही ना, तो वैसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। यानी कि प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया कि अर्ली स्टेजेस में जैसे सेल जो पाए जाते थे उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते थे। यानी कि लाइफ अगर बहुत पहले एग्जिस्ट किया करता था, ये तो सबको पता है कि लाइफ एग्जिस्ट होता था, धीरे धीरे लाइफ का जो सिस्टम है वो चेंज होते चला गया सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जिस टाइप के सेल पाए जाते थे जो कि प्रोकैरियोटिक नेचर के होते थे, जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता था, उसमें से एक एग्जांपल बैक्टीरियल सेल भी है। एग्जांपल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। द सेल लाइक ओनियन सेल एंड चिक सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक। और ऐसे सेल जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यूकैरियोटिक मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस उसमें इजीली सीन होता है, उस टाइप को सेल को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक। लास्ट टॉपिक का कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल में सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। वैक्यूल जो है प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है। न्यूक्लियस दोनों का देख लीजिए, साइटोप्लाज्म ये पूरा येलो पोर्शन जो वो साइटोप्लाज्म है, और इसमें ये वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म।
सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन के अलावा उसका जो आउटर कवरिंग होता है उसको सेल वॉल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड्स को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब इसमें कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में देख लिए, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में। और प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि जो ग्रीन पिगमेंट प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। वैक्यूल्स भी दोनों में होते हैं, पर प्लांट सेल में बड़े होते हैं, एनिमल सेल में छोटे होते हैं। अब जल्दी से कीवर्ड की तरफ डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके सारा। सेल स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल को सेफ डेफिनेट सेफ प्रोवाइड करवाता है। सेल वॉल जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिक पिगमेंट प्लास्टिक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोमोसोम जो कि जीन को कैरी करते हैं। साइटोप्लाज्म जिसमें कि अदर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। यूकैरियोटिक जो कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें होता है। जीन्स जो कि हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को वन जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के हम लोग साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है उसको मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो सेल के सेंट्रल स्फेरिकल पार्ट जो होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ऑर्गेन्स टिश्यू से मिलके जो पार्ट बनता है उसको ऑर्गेन्स बोलते हैं। ऑर्गेनेल कंपोनेंट्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उनको है होल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं। प्लास्टिड्स जो कि कलर पिगमेंट्स कैरी करते हैं। प्रोकैरियोट्स जिनका कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इजीली डिफाइंड नहीं होता है। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया एमोएबा का सेल के जो एक्स्ट्रा अपकमिंग्स होते हैं उनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जो कि मूवमेंट में और फूड गैदर करने में काम करते हैं। टिश्यूज सेल के ग्रुप्स को बोलते हैं टिश्यू, जो कि एक टाइप के फंक्शन करते हैं। यूनिसेलुलर वन सेल ऑर्गेनिज्म। वैक्यूल्स, वैक्यूल प्लांट सेल में बड़े होते हैं, जो कि गैस और अदर सेप प्रोवाइड करने में भी मदद करते हैं कुछ हद तक। वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल भी ऐसे सिंगल सेल है जो कि अपने सेप को चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं व्हाट डू यू हैव लर्न्ड में, जल्दी जल्दी इन सबको कवर करते हैं। All organisms are made up of small part called organs. Organs are made of still smaller parts. The smallest living parts of an organism is cell. Cell were first observed in Cork by Robert Hooke in 1665. Cells exhibit a variety of shapes and size. Number of cells also varies from organism to organism. Some cells are big enough to seen with the unaided eyes. Hence, for example, some organisms are single-celled, while others contain large number of cells. Single cells of unicellular organisms perform all basic of function performed by variety of cells in multicellular organisms. Next, cell has three main parts: the cell membrane, cytoplasm, which contains smaller components called organelles, and the nucleus. Nucleus is separated from cytoplasm by nucleus membrane. Cell without well-organized nucleus, lacking nuclear membrane, is called prokaryotic cell. Plant cell differ from animal cell in having an additional layer around the cell membrane termed cell wall. Colored bodies called plastids are found in plant cell only.
Green plastids contain chlorophyll are called chloroplasts. Plant cell has a big central vacuoles unlike a number of small vacuoles in animal cell. तो ये सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में, इतना ही। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी नॉलेजफुल लगा, कुछ अगर गेन हुआ, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें और भी कुछ हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।